यस क्लास सिक्स, आज हम अपने रामायण के पुस्तक से पार्ट दो दो वरदान पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए देखिए राजा दशरथ के कौन से दो वरदान थे। स्टार्ट करिए रीडिंग। आदित्य विश्वास। यस मैम, दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने 1 सेकेंड, एक दिन उन्होंने पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनसे चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभी ने तुमुल ध्वनि से राजा सभा ने, दशरथ के सभा ने, सभा सब सभा ने ने राजा तुमुल तुमुल ध्वनि से सभा में। ध्वनि हाँ सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि जाए जाए यह समाचार पलक झपकते पूरे पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी और उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कई कई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम हो जाए। यस, अब देखो पहले मैं समझाती हूँ। यहाँ पर बच्चों, राजा दशरथ जब के जो पहले कोई संतान नहीं थी, उसके बाद जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए, फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए। बड़े होकर के जब उन्होंने सारी अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली, तो उनके मन में जो है वो सारी मतलब वापस जब लौट के आ गए दरबार में, राम जो है राम दशरथ के लिए बहुत प्रिय थे और वो प्राणों से भी प्यार से भी ज्यादा राम से प्यार करते थे। राम भी अयोध्या लौटने के बाद से वो अपने अपने जो राजकाज का काम था उसमें शामिल कर लिया था राम को। वो भी बड़े विनम्रता से राम जो है इन सब कामों को करते थे। उनकी विद्वता पराक्रम का लोहा सभी मानने लगे थे। प्रजा भी राम को चाहती थी, है ना। दशरथ के लिए वो प्राणों से भी प्रिय थे। इस तरह से राम का सम्मान जो है सारे दरबार में निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा था और राजा दशरथ भी बूढ़े अब हो चले थे। ठीक है, तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया कि एक दिन कि अब जो है मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि राज दरबार में कहा कि मैं लंबे समय तक काम काज चला लिया और अब काम जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग जो है अब मैं थोड़ा सा कमजोर होने लगा हूँ, शिथिल यानी कमजोर हो गया हूँ।
मैं वृद्ध हो चला हूं, मैं चाहता हूं कि यह कार्यभार अब राम को सौंपूं, क्योंकि राम उनके बड़े पुत्र थे। अगर आप सब सहमत हो तो मैं राम को युवराज का पद दे देता हूँ। आप सबकी राय अगर इससे अलग होगी तो मैं उस बात पर भी विचार, मतलब उस बात को भी सोचूंगा। सभा में सभी ने तुमुल ध्वनि यानी एक अच्छी ध्वनि बजाकर राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है, हम सबको मंजूर है, और सभी लोगों ने राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, फिर संतोष के साथ उन्होंने कहा कि भाई जब सब लोगों को मंजूर हो गई मेरी बात तो इस शुभ कार्य में देर किस बात की है, है ना। और उन्होंने राज कहा कि मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक जो है कल सुबह ही कर दिया जाए, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। ये जो समाचार था राजा दशरथ के द्वारा, वो पलक झपकते ही पूरे राज्य में फैल गई। सब जगह बस एक ही चर्चा होने लगी, राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, और उस समय भरत और शत्रुघ्न जो थे वो लोग अपने ननिहाल गए हुए थे, मतलब कैकेयी राज गए हुए थे। कैकेयी जो रानी थी उनका घर था मायके, तो वो भरत का ननिहाल था, वो वहां गए हुए थे। अब भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना ही नहीं थी, अब बहुत कैके जो है अयोध्या से काफी दूरी पर था, तो उनको इन सब बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था कि यह जानकारी नहीं थी। अगले दिन राम की राज्याभिषेक है, ये बात भी उनको नहीं मालूम था कि अगले दिन राम का जो है राज्याभिषेक होने वाला है। और जहाँ वो थे कैके राज्य में, वहां से एक दिन में ही भरत और शत्रुघ्न का वापस अयोध्या लौटना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस बारे में राम से बात की, कहा कि बेटा राम भरत तो यहाँ है नहीं, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वो हो जाए। चलिए तनिष्क बोलो। ओके मां, कहा कि भरत यहाँ नहीं है पर मैं। तनिष्क तनिष्क आपकी आवाज नहीं आई। मैम एम आई ऑडिबल नाउ? कोई स्लो आ रही है बेटा, बहुत स्लो आ रही है। रिद्धिमा कपूर आप पढ़िए, तब तक रिद्धिमा आप पढ़िए। तनिष आप नेक्स्ट वाली पैराग्राफ पढ़िएगा। कहा कि भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राज धर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी के कैकेयी दासी ने भी देखी। मंत्रा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया, उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्य की दासी से पूछा, उससे तब पता चला कि कल राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल बुन गई, राम का राज्य अभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। केकई के विरुद्ध, वह केकई की दासी थी बचपन से, केकई का हित उसके लिए स्वपरी था। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी, वह केकई की मुंह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रानी वास की ओर भागी, सीधे केकई के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपत्ति आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जा। रानी की कई नींद से चौंककर उठी, उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है, उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ राम का राज्य अभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे, यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार का मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति गई है, बाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ की श्रेयंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह श्रेयंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जान बूझ कर नहीं हाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। यस बेटा, देखिए
अब यहाँ पर बताया कि राजा दशरथ ने राम से कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपका राज्याभिषेक मैं रोकूं। उन्होंने राम से कहा कि जनता भी तुम्हें अपना राजा चुन चुकी है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा का पालन करना। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा वो देख रही थी, और शुरू शुरू में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतना चहल पहल क्या है, क्योंकि उसको पता नहीं था इस बारे में, है ना। उसको लग रहा था कोई अनुष्ठान वगैरह है या क्या है, ऐसी रौनक तो ऐसी सजावट तो उसने कुछ अभी देखा भी नहीं था। उसने अन्य अनुष्ठानों में भी नहीं देखा था कि अगर कोई और घर में पूजा पाठ हुआ हो तो इतनी ज्यादा सजावट की गई हो, है ना। फिर उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था चंबा। फिर उसने रानी कौशल्या की एक दासी से पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो उसने बताया कि ये जो है राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक होने की तैयारी के लिए इतना उत्सव किया जा रहा है। ये बात सुनते ही मंथरा तो जल भूलकर एकदम से राख हो गई, है ना। और वो उसे लगा कि राज्याभिषेक के षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध, उसको लगा कि कैकेयी की दासी थी वो बचपन से ही, कैकेयी रानी कैकेयी की, है ना, कैकेयी के हित के लिए ही उसके लिए सर्वोपरि था, वो हमेशा पहले कैकेयी के बारे में सोचती थी। मंथरा उसे अपना हित ही मानती थी, वह कैकेयी की मुंह लगी थी, मतलब बहुत ज्यादा प्यारी थी। रानी कैकेयी भी उसको बहुत मानती थी। क्रोध से आगबबूला होकर के मंथरा जल्दी जल्दी भागती हुई रनिवास यानी कैकेयी के पास पहुंची, सीधा उनके कक्ष में पहुंची। उसका चेहरा एकदम क्रोध से लाल हो रहा था और सांसें उखड़ रही थी। उसने रानी को देखा कि रानी तो कैकेयी तो सो रही है, तो उसने जो है किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए कहा कि अरे ये मेरी मूर्ख रानी, उठ जा, तेरे ऊपर अब भयानक विपदा आने वाली है, ये समय सोने का नहीं है, है ना। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटे उससे पहले तुम जाग जाओ। रानी जो है कहके नींद से एकदम चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई कि ये क्या बोले जा रही है, है ना, क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है ना, रानी ने पूछा मंथरा से। उसने कहा कुशल, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। तो कैकेयी ये बात सुनकर बोलती है यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने तुरंत उस खुशी के मारे अपने गले में जो हार पहना था उतार के मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज के पद पर हर तरह से योग्य है। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, अब कैकेयी जो है वो मंथरा जो है कैकेयी को समझाने लगती है, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मती मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूसरे तरफ फेंकते हुए कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा हार, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या, कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है, समारोह के लिए उनको बुलाया तक नहीं है। मतलब देखो राम का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत को उन्होंने उनके ननिहाल भेजा हुआ, उनको बुलाया तक भी नहीं है। चलिए तनिष्क। ओके मैम। कैकेयी का स्वर उग्र हो रहा है, उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा राम की प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राजवरदा ज्येष्ठ पुत्र को कहीं को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा तुम बहुत बोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा, अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देगा, वे भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी,
कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकई पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उनका उनका सर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो रहा था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हुई हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अभी भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रानी वास बुलवाए या प्रतीक्षा करें? मंत्रा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर वो भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। यस, अब देखो कैकेयी का जो है, जब मंत्रा ने इस तरह से बातें बोली तो कैकेयी को बात बोली, लेकिन उसने पहले गुस्से में बोला कि मंत्रा को डांटते हुए बोला कि राम के प्रति मेरा तो बहुत ज्यादा प्रेम है, वो मुझे माँ के समान मानते हैं, है ना। तुम्हें इसमें कौन सा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है? इसमें तो षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद ही तो भरत राजा बनेंगे। राज हमेशा जो है ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब इस गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र ही था। वो रानी कैकेयी के पलंग पर उसके पास एकदम निकट बैठ गई और कैकेयी के चेहरे को देखते उसे कहा कि तुम बहुत भोली हो, नादान भी हो, तुम्हें अपना आने वाला संकट दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, राम अगर राजा बन गया, इस तरह से करके मंत्रा रानी को समझाने लगी कि अगर मान लो राम राजा बन जाएंगे तो तुम जो भरत है वो राम के दास बन जाएंगे और तुम जो है कौशल्या की दासी बन जाओगी, है ना। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा, फिर राजा के राम की शादी होगी तो उनका पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो, अब तो ये अनर्थ हो जाएगा। राजा भरत को तो कभी राजगद्दी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। राम को राज मिला तो वे भरत को देश से निकाला भी कर सकते हैं, भरत को दंड भी दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, मतलब अपने भरत की, अपने बेटे की रक्षा करो। रानी कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिल जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का अवसर होने लगा। कैकेयी को लगा कि हाँ भाई, ये बात तो सही कह रही है। उनका भी सिर थोड़ा चकरा गया। पलंग से उठी, उनका पांव सीधा जमीन पर नहीं पड़ रहा था, आंखों में आंसू भी थे और मन भी दुखी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अब उनको क्रोध आने लगा था। मंत्रा के तर्क जो बोल रही थी मंत्रा, उसकी बातों में उनको सच्चाई लगने लगी थी। तो फिर बाद में उसका, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? कैकेयी ने ऐसे अपने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से पूछा। मंत्रा पलंग से उठी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो जब तुम महाराज दशरथ के साथ इंद्र के युद्ध में तुम भी साथ में थी और वहां पर तुमने दशरथ की रक्षा की थी, तो दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो तुमने उस समय मांगा नहीं था, तो अब तुम मांग लो 2 वरदान को, है ना। उसमें एक वरदान में तो भरत को राजगद्दी मांग लेना और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो देखो ये क्वेश्चन है, राम को कितने वर्ष का वनवास मिला? 14 वर्ष। और राम कैकेयी ने अपना राजा दशरथ से कौन कौन से वरदान मांगे? राजगद्दी देना। ठीक है, तो कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था ही गुस्से में। उन्हें मंत्रा की बात बिल्कुल ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था
यह बात दशरथ से वो कहे कैसे, अगर ये बात कहनी है कि मुझे दोनों अपने वरदान चाहिए, एक में ये एक में, तो कहें कैसे? उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें, ऐसा सोच रहे, मतलब अपने महल में उनको बुलाएं राजा दशरथ को, या उनके आने का इंतजार करें, क्या करें? तो मंथरा ने कैकेयी के मन की बात जान ली कि कैकेयी के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा तुम ऐसे करो कि तुम मैले कपड़े, मतलब गंदे कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ राजा बन करके। जब ये सूचना राजा दशरथ को मिलेगी तो वो खुद ही तुम्हारे पास आएंगे, है ना? आए तो तुम उनको उनकी ओर मत देखो, उनको उनसे नाराजगी दिखाओ, ठीक है, बात भी मत करो। तुम अपने, जब राजा दशरथ जो है अपने प्रिय रानी को इस तरह से देखेंगे तो उस पर उनको बुरा लगेगा, और वो तुम्हारे लिए जो है इस तरह का सोचेंगे कि क्या करूं मैं, है ना? तो तुमसे पूछेंगे कि जब तुमसे तुम्हारे नाराजगी का कारण पूछेंगे, तुम्हारा देख उनसे देखा नहीं जाएगा, बस तुम उसी समय जो है उसी समय का मौके का फायदा उठा करके तुम क्या करना, उनको अपनी पिछली बातें याद दिला देना और अपने दोनों वरदान मांग लेना। चलिए नेक्स्ट है रितुल भारद्वाज। रितुल रीड करिए बेटा। अवनी अग्रवाल आप रीड करो। अवनी ओके मैम, मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राज काज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़ी और उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वो को भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी को भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राज्य विद्या को बुलाऊं? ओके राजवैद्य मैम। दशरथ ने कोई सवाल कई सवाल कई पूछे, सवाल पूछे हैं। कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठे गए, विनती करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी
कर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षा पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, केकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उन्होंने कहा कि मैं, फिर कैकेयी ने मंथरा से बोला कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र जो है जो उन्होंने सोचा उसको मैं सफल नहीं होने दूंगी। अब तो मंथरा खुश हो गई क्योंकि उसने जो चाहा था उसको मिल गया। अब वहां से वो जल्दी जाने के लिए उसने कैकेयी के कमरे से चलते चलते कैकेयी से कहा कि देखो रानी, तुम राम को 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। कि इन बातों बातों में आकर तुम 14 वर्ष से कम वनवास के लिए समय मांग लो, ठीक है? इतने जितने 14 साल तक वो वन में रहेंगे राम, इतने में भरत जो है राज काज को अच्छे से संभाल लेंगे, और जब तक राम लौट कर आएंगे तब तक लोग उन्हें भूल भी चुके होंगे। जल्दी करो, बहुत समय कम रह गया। रानी कैकेयी भी जो है को भवन में चली गई और मंथरा भी रानीवास से बाहर निकल गई। दिन भर राजभवन की तैयारी, सजावट, इन सब काम के बाद जब थकान शाम हुई तो महाराज दशरथ को रानियों की अपनी याद आई। उन्होंने कहा चलो तुरंत रानीवास चलते हैं और वहां चलकर उन लोगों को भी ये शुभ समाचार देते हैं। तो जैसे ही वो राजमहल में आए तो उन्होंने सोचा सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में जाते हैं और उनको ही ये सूचना देते हैं। जब वो वहां गए तो वहां कैकेयी मिली नहीं। उन्होंने जो दरबार खड़ा होता है उससे पूछा तो उसने बताया कि रानी जो है वो तो कोप भवन में। तो राजा दशरथ का माथा ठनका। उन्होंने कहा कोप भवन में, लेकिन क्यों? ऐसा अपने मन में सोचा, चिंता हुई थोड़ी सी कि कैकेयी को भवन में, परंतु क्यों भाई, क्या मैंने उन लोगों को इस बात की सूचना नहीं दी थी इसलिए नाराज हो गई है? चलो कोई बात नहीं, मैं उनको बना लूंगा, दशरथ ने ऐसा सोचा। और वो दशरथ को भवन का दृश्य जब पहुंचे तो वहां का दृश्य देख के एकदम हैरान हो गए। कुछ समझ में नहीं आया कि कैकेयी तो जमीन पर लेटी हुई है, उनके बाल बिखरे हैं, गहने सारे कमरों में बिखरे पड़े हैं, तो और कपड़े भी गंदे मैले पहने हुए। तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, बीमार हो, तो मैं अभी राजवैद्य को बुला देता हूँ। दशरथ ने कई सवाल पूछे पर उनको किसी भी सवाल का उत्तर नहीं मिला, बस कैकेयी रोती रही। तब दशरथ ने कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी यानी धरती और आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने की बहुत कोशिश की, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी उनके साथ जमीन पर बैठ गए और विनती ये करते हुए कहा कि करते हो, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा मैं अपनी बीमारी के संबंध में अगर आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वो आप उसे मुझे पूरा करोगे, मतलब दोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी और कहा कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने जैसे ही राम की सौगंध खाई कैकेयी एकदम उठ के बैठ गई। उसने कहा आप मुझे वे दो वरदान दीजिए जिसका संकल्प वर्षों पहले रणभूमि में किया था। महाराज दशरथ ने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। राजा दशरथ पहले तो चौंक गए कि ये क्या पूछ रही है। उन पर जैसे वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, और राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। यस, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। यस बेटा, नेक्स्ट बच्चा। मैम कैन आई रीड? पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? यस मैम कैन आई रीड? चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने यही सुना है। कि कई अड़ी रही, दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे।
यही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह नहीं सुन सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस ना नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब देखो बेटा, जैसे ही केकई की बात राजा दशरथ ने सुनी, उनका तो चेहरा एकदम सफेद हो गया, है ना, वो एकदम अवाक रह गए कि ये रानी केकई क्या कह रही है। उनका सिर चकराने लगा, वो एकदम मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर में जब राजा को थोड़ा होश आया तो केकई की ओर देखकर बड़े ही कातर, मतलब दया वाले भाव में उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने नहीं ये सही सुना है या गलत सुना है। केकई अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं, मैं तो यही जो बोल रही हूँ सही है। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे कि नहीं, ये तुम जो कह रही हो ये गलत है, अनर्थ बताने लगे। तब केकई ने अपना अंतिम हथियार डाला कि अब देखो, अपने वचन से पीछे मत हटिए, क्योंकि रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया में मुंह दिखाने के योग्य आप नहीं रहेंगे, और मेरी रही मेरी बात, तो आप वरदान अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं जहर पी के अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और ये जो कलंक है वो आपके सिर पर आएगा कि महाराजा की वजह से रानी केकई ने आत्महत्या कर ली। राजा दशरथ ये सुन ना सके और दोबारा से बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे बेहोशी की हालत में। बीच बीच में होश आता, वो केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई अपनी बातों से टस से मस ना हुई। सारी रात इसी में बीत गई। यस, अभी आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया ना? नो मैम, चैप्टर 2 के भी मैम पार्ट्स हैं। अच्छा, पार्ट है, हाँ, ये राम का वनगमन। यस, चलिए ये अब हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी इसको, चैप्टर 2। ओके ओके बेटा।